How are you? Today I am going to discuss class 6 maths topic ratio and proportion. ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है. तो आइए पहले समझते हैं ये रेशियो होता क्या है. रेशियो का मतलब होता है कि कंपेयरिंग टू नंबर्स, दो नंबरों को की तुलना करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम दो दो नंबर जो होते हैं उनका कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. रेशियो जिसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं, इसका मतलब होता है कंपेयरिंग टू नंबर्स. मतलब हिंदी में होगा दो नंबरों की तुलना. अब कैसे करेंगे, सपोज करो कि दिया हुआ है फाइंड रेशियो, यानी कि अनुपात निकालना है. तो रुपीज 10 टू रुपीज 20, तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसका रेशियो हो जाएगा 10/20. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो आ गया 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 1:2, 1:2. कभी कभी ये डिफरेंट दे रखा रहता है. जैसे रेशियो निकालना है 50 पैसे टू 5 रुपीज, रुपीज 5 कर लेते हैं, इनका रेशियो निकालना है. तो 50 ये पैसे में है, ये रुपए में है, तो रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट करना है. आपको पता होगा 1 rupees = 100 paise, तो 5 rupees = 500 paise, तो ये हो जाएगा 550 paise / 5×100, तो ये हो जाएगा 500 paise, तो ये हो जाएगा 50/500. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 या 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1:10. ठीक है दोस्तों, उसी तरह आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इनका रेशियो निकाल सकते हैं. ये तो एक सिंपल वे था, लेकिन रेशियो निकालने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है. वो क्या है, वो ये है कि अगर इधर मीटर में है तो इधर भी मीटर में होना चाहिए, इधर किलोमीटर में है तो इधर भी किलोमीटर, इधर सेंटीमीटर, तो मतलब सिमिलर यूनिट में होना चाहिए. जब दोनों यूनिट हम सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी उनका रेशियो निकालेंगे, अब वही करेक्ट होगा. ये तो सिंपल क्वेश्चन. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं. जैसे दिया रहता है डिवाइड रुपीज 500 बिटवीन ए एंड बी इन रेशो 2:3, यानी कि 500 रुपए को ए और बी में 2:3 में बांटो. ठीक है, 2:3 में बांटो. ठीक है, तो चलते हैं. सबसे पहले लिखेंगे ए को कितना मिलेगा, पहले लिखेंगे टोटल ऑफ रेशो का टोटल कितना हो जाएगा, 2+3,
फाइव हो जाएगा, यानी कि ए का जो हिस्सा है, ए का जो शेयर है वो टू है, बी का शेयर है वो थ्री है, तो शेयर ऑफ ए यानी अनुपात, इसको हिंदी में बोलेंगे तो अनुपातों का योग, अनुपातों का योग जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ए का हिस्सा एज शेयर या एज रेशो, एज शेयर ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का जो शेयर हो जाएगा, ए का हिस्सा कितना है, टू है ना, टू अपॉन 5 × 500, 5 से ये कट जाएगा, 1 × 500 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200, ए का शेयर आ गया 200 यानी ए का हिस्सा। अब बी शेयर जो हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना होगा, बी का कितना है, 3 है, तो 3 upon 5 × 500, तो 5 से कट जाएगा ये 100 × 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यानी बी का शेयर कितना आया, 300। तो आई होप रेशो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से 3 3 भी हो सकते हैं यहाँ पे, चलो एक करवा देते हैं 3 वाला भी, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो वरना मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो करते हैं इसको, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, डिवाइड ₹1000 बिटवीन, यहां दो से ज्यादा है तो अमंग हो जाएगा, ए बी एंड सी, 2:3:5, यानी कि ₹1000 को ए बी तथा सी में 2:3:5 में बांटो। ठीक है, तो पहले इसका टोटल ऑफ रेशो निकालेंगे, टोटल ऑफ रेशो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 + 5, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है दोस्तों, अब ए का शेयर निकालेंगे, एज शेयर उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, तो ए कितना है, 2 है, 2 upon 10 into 1000, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया 200। फिर उसी तरह बी का हिस्सा निकालेंगे, बी शेयर ये 3 हो जाएगा, 3 upon 10 into 1000, 0 से 0 कैंसिल, ये 300। अब सी का शेयर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100,000, सॉरी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 500 आ जाएगा, यानी कि ये जो है वो ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब मैं दूसरा करवाने जा रहा हूं, पर पोर्शन, नेक्स्ट है
प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे समानुपात। ठीक है, क्या होता है ये समानुपात? किसी की तरह होता है कि इसमें दो साइड है, दोनों साइड क्या होती है वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों दो रेशो होते हैं वो इक्वल होंगे तब ये क्या होंगे प्रोपोर्शन में होंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। चलो समझते हैं। सपोज करो आपके पास फोर नंबर है, ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी आपके पास फोर नंबर है, तो ए और डी को बोलेंगे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी इनको बाह्य पद बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे बाह्य पद। और जो ये बीच के दोनों हैं बी और सी, इनको बोलेंगे मीन्स, यानी इनको बोलेंगे माध्य पद, माध्य पद। इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य पदों का गुणनफल, बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का ठीक है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं कि बताना है कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है 10, 20, 30, 60, 30 और 60। तो इसका मीन्स का प्रोडक्ट क्या होगा, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करो और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो 20 × 30 क्या हो जाएगा आपका 600 और 10 × 60 कितना हो जाएगा, ये भी 600। तो लिख लेंगे 10, 20, 30 and 60 आर इन प्रोपोर्शन। यानी कि 10, 20, 30 और 60 किसमें है, समानुपाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। अब बताना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो पहले मीन्स का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा 4 × 5 ये हो जाएगा 20। एक्सट्रीम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6, 6 × 3 = 18। ये दोनों इक्वल है नहीं है ना, तो लिख लेंगे 3, 4, 5, 6 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन पे एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में मिलते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक्स, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।